अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफीकुर रहमान है। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं और गुज़श्ता 10 सालों से मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में, वाटर सेविंग के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। और बेसिकली स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है कि वाटर शॉर्टेज हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स उन पर तवज्जो देनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट उसी सिलसिले में है, वही मेरी मोटिवेशन थी और इसी को मैंने एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 10 सालों से हम लोग ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं और सोलर सिस्टम लगाते हैं, ताकि एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाए, सन एनर्जी को, और पानी को कम इस्तेमाल किया जाए। ये इस तरह से तालाब बनाया जाता है जिसमें पानी स्टोर करके और फिर आगे फसलों को पानी दिया जाता है। अभी हम आपको सिस्टम चला के दिखाते हैं। ये सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया है। ये तालाब से पानी लेकर फसलों को दिया जाता है, जितनी फसलों को ज़रूरत होती है उस हिसाब से। अभी हम आपको फील्ड में भी दिखा देते हैं। ये अमरूद का बाग है, उसके ऊपर कतरा कतरा करके पानी दिया जाता है, जितना फसल को ज़रूरत है उसके मुताबिक। इस तरह से हम पानी की बचत करते हैं। ये एक पूरा ऑर्चर्ड लगा हुआ है और इसमें पानी दिया जा रहा है। आप सब लोगों को यही नसीहत है कि आप जो भी प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं, वो अपना वो वाला सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसमें फुली इन्वॉल्व होकर जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा और उसी में आपकी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। नेक तमन्नाएँ आप सब लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।